हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बार्डॉग की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम देखेंगे बार्डॉग की स्टोरी का चौथा पार्ट। अगर आप लोगों में से किसी ने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक मिस किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वो पहले देख लीजिए वरना आपको इस स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। ये स्टोरी एक फैन मांगा है जो कि बार्डॉग और उसके एक दोस्त के बारे में है। वो फ्रीजा और फ्रीजा की पूरी आर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं, पर क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। इस स्टोरी के राइटर का नाम है यंग जीजी, जो कि ड्रैगन बॉल की फैन मांगा लिखने के लिए फेमस है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी आवाज़ अलग लग रही हो, वो इसलिए कि मेरा गला बैठा हुआ है, पर वीडियो डाले हुए काफ़ी दिन हो गए थे इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ के बावजूद आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड आखिरकार फ्रीजा प्लैनेट पर पहुँच गया है, जहाँ पर पेपॉल और बार्डॉग ट्रेनिंग कर रहे थे, और अभी भी पेपॉल ने स्कॉट को हराया है। चिल्ड और बार्डॉग आमने सामने खड़े हैं। चिल्ड बार्डॉग से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम वही हो जो सारे प्लैनेट तबाह कर रहा है। बार्डॉग चिल्ड से पूछता है कि तुम फ्रीजा नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। चिल्ड उससे बोलता है कि ये सवाल तो मेरा है। इसके जवाब में बार्डॉग बताता है कि मेरा नाम बार्डॉग है और मैं एक सैयन वॉरियर हूँ। तुम आखिर कौन हो, क्या तुम फ्रीजा से रिलेटेड हो। चिल्ड बोलता है, सैयंस को तो मैं जानता हूँ, तुम लोग फ्रीजा के चमचे थे, लगता है कि तुम फ्रीजा से बदला लेना चाहते हो, तुम बेवकूफ़ हो। बार्डॉग बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम फ्रीजा को कैसे जानते हो और तुम्हारी ताकत फ्रीजा कितनी मिलती जुलती क्यों है। चिल्ड इस चीज़ से काफ़ी इंप्रेस होता है। वो बोलता है कि स्काउटर से मेरी ताकत को नहीं नापा जा सकता, तो तुम्हें मेरी ताकत के बारे में कैसे पता। अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं फ्रीजा का छोटा भाई लॉर्ड चिल्ड हूँ। बार्डॉग ये सुनकर हैरान रह जाता है। चिल्ड बताता है कि भले ही हम भाई हैं, पर हमारे स्केड्यूल्स की वजह से हम शायद ही कभी मिल पाते हैं। मेरे फादर की आर्मी में मेरे पास मेरे भाई जितनी अथॉरिटी नहीं है, पर मेरे पास कुछ ही प्लैनेट हैं जिन्हें मैं मैनेज करता हूँ, तो तुम समझ सकते हो अगर उन पर कुछ होता है तो मुझे खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है। और उसके बाद तुम आ गए और तुमने मेरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तुम्हारे इन कारनामों की वजह से मेरी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हुई है, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन गए हो और तुम्हें मजा चकाना मेरा काम है। बार्डॉग बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे अपने लोगों को इंसाफ दिलाना है, और जब तक मेरे हाथ फ्रीजा नहीं लगता जब तक मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा। चिल्ड बोलता है, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। इसके बाद चिल्ड अपनी आर्मी को वापस शिप पर भेज देता है। पेपॉल बहुत चिंता में लगता है, वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि फ्रीजा का एक भाई भी है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बार्डॉग, क्या तुम इसे अकेले संभाल पाओगे, तुम्हारी ताकत खुद बहुत ज़्यादा है, पर क्या तुम इसे जीत पाओगे। इसके बाद पेपॉल भी पीछे हट जाता है और बार्डॉग और चिल्ड का सामना होता है। इसके बाद बार्डॉग चिल्ड पर हमला कर देता है और चिल्ड उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। बार्डॉग सच में बहुत गुस्से में लग रहा होता है। बार्डॉग लगातार अटैक करे जा रहा होता है और चिल्ड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और बार्डॉग को बार बार ही मारे जा रहा होता है और उसके अटैक्स को रोके जा रहा होता है। चिल्ड बार्डॉग पे की ब्लास्ट करता है, पर बार्डॉग खुद को बचा लेता है। वो एकदम से जाके चिल्ड को किक मारने वाला होता है, पर चिल्ड अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। इस वक्त दोनों की लड़ाई बिल्कुल बराबरी की लग रही होती है और बार्डॉग थोड़ा सा हावी लग रहा होता है। बार्डॉग लगातार अटैक करे जा रहा होता है और चिल्ड सारे अटैक्स को रोके जा रहा होता है। चिल्ड बार्डॉग को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और उस पर लगातार की ब्लास्ट करने लग जाता है। बार्डॉग वो अटैक्स को देख लेता है और किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। चिल्ड खुश होने लग जाता है, पर तभी बार्डॉग धूल में से निकल जाता है और उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है, और ऐसा लग रहा होता है कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। चिल्ड बोलता है कि मुझे देख के खुशी हुई कि तुम सिर्फ बातों के शेर नहीं हो, मुझे लगा नहीं था कि एक सैयन भी मुझे टक्कर दे सकता है। बार्डॉग स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि ये एक बहुत अच्छा वार्म अप था। चिल्ड ये बात सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है, वार्म अप, इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक सीरियस नहीं थे। बार्डॉग बोलता है, हाँ। इसके बाद बार्डॉग पावर अप करने लग जाता है और चिल्ड ये देख के हैरान रह जाता है। बार्डॉग बहुत गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर क्या होता है, और इसके बाद वो चिल्ड पे अटैक करना शुरू कर देता है। इस बार ही बार्डॉग पूरी तरीके से चिल्ड पे हावी होता है और इस बार चिल्ड कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, और बार्डॉग लगातार उसे पीटे जा रहा होता है। बार्डॉग लगातार उसे सुपर स्पीड में मारे जा रहा होता है और चिल्ड इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बार्डॉग चिल्ड पे लगातार की ब्लास्ट की बरसात कर देता है। जैसे ही बार्डॉग को लगता है कि चिल्ड अब हार चुका है, वो रुक जाता है। पेपॉल बार्डॉग की ताकत देख के बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। तभी पेपॉल और बार्डॉग को चिल्ड दिखता है और उसे ज़्यादा खरोचे भी नहीं आई होती हैं। चिल्ड चुपचाप से खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये क्या मजाक है, ये मेरी ताकत कैसे मैच कर पा रहा है। बार्डॉग बोलता है कि तुम समझ ही गए होगे, अब तुम फंस चुके हो, ये होती है सैयंस की ताकत जिससे तुम लोग इतना डरते थे। पेपॉल खुश होने लग जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बार्डॉग जीत जाएगा। तभी चिल्ड हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये टेक्निक मुझे तुम्हारे सामने इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली के अलावा आज तक किसी ने मुझे इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए इतना पुश नहीं किया है, तुम्हें खुश होना चाहिए। बार्डॉग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। चिल्ड बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि ये मेरी आखिरी फॉर्म है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। इस बात पे बार्डॉग हंसने लग जाता है। चिल्ड बोलता है कि तुम अभी हंस सकते हो, बाद में तुम हंस नहीं पाओगे। और इसके बाद चिल्ड पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है उसकी ताकत बढ़ने लग जाती है
और बार्डॉक और पैपोल ये देख के हैरान रह जाते हैं। चिल्ड आखिरकार ट्रांसफॉर्म होकर अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाता है और पैपोल बिल्कुल हैरान रह जाता है। हालांकि बार्डॉक बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा होता। पैपोल चिल्ड की ये नई ट्रांसफॉर्मेशन देख के हैरान रह जाता है। बार्डॉक बोलता है कि ये तो नई चीज़ है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। चिल्ड बोलता है कि चलो सेकंड राउंड शुरू करते हैं। बार्डॉक ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं चिल्ड। इसके बाद चिल्ड एकदम से बार्डॉक पर हमला कर देता है और उसे खिंचा के घुसा मारता है। चिल्ड बार्डॉक पर थोड़ा हावी होने लग जाता है और उस पर लातों और घुसों की बरसात कर देता है, पर बार्डॉक अपने आप को फिर भी बचा पा रहा होता है और वापस चिल्ड पर हमला भी करता है। चिल्ड और बार्डॉक में घमासान लड़ाई चल रही होती है। पैपोल इस लड़ाई को देख भी नहीं पा रहा होता इसकी स्पीड की वजह से। चिल्ड बार्डॉक को बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है और बार्डॉक ज़मीन पर जाके गिरता है। और इसके बाद चिल्ड उस पर एक की ब्लास्ट करता है। ये की ब्लास्ट उसका अभी तक का सबसे ताकतवर की ब्लास्ट था। वो जाके एकदम से बार्डॉक को लगता है। पैपोल को लगता है कि बार्डॉक अब नहीं रहा और चिल्ड चिल्लाने लग जाता है कि अब तुम्हें पता चला कि हम लोगों में ताकत के कितना गैप है। वो हंसने लग जाता है, पर तभी वो देखता है कि बार्डॉक धूल में से निकल के आ रहा है। चिल्ड को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। चिल्ड बोलता है कि लगता है कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था। बार्डॉक बोलता है कि तुम्हारी ताकत और स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। चिल्ड चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाता है और एकदम से बार्डॉक पर हमला कर देता है। बार्डॉक चिल्ड के अटैक को रोक लेता है और चिल्ड बिल्कुल हैरान रह जाता है। बार्डॉक और चिल्ड एक दूसरे को ओवर पावर करने के लिए पावर अप करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर फिर से गुस्से बरसाने लग जाते हैं। इस बारी लड़ाई बिल्कुल टक्कर की होती है और इस बारी दोनों ही बहुत गुस्से में लड़ रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई से इतनी ज़्यादा पावर निकल रही होती है कि आसपास का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है। पैपोल दोनों की लड़ाई को बड़ी मुश्किल से देख पा रहा होता है। वो बोलता है इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल बराबरी पर चल रही है। दोनों के दोनों इतने ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि दोनों थकने लग जाते हैं। इसके बाद चिल्ड की ब्लास्ट बनाने लग जाता है और ये देख के बार्डॉक हंसने लग जाता है और वो भी की ब्लास्ट बनाने लग जाता है। वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो दोनों इतने ज़्यादा इवनली मैच होते हैं कि दोनों ही की ब्लास्ट बेकार हो जाते हैं और दोनों में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की सांसें बिल्कुल फूलने लग जाती हैं। चिल्ड बोलता है कि तुम मेरी इस फॉर्म में भी मेरा सामना कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम कर पाओगे। बार्डॉक बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये फाइट इतनी मुश्किल होगी, पर तुम्हारी ताकत मेरे मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है, लगता है कि इस लड़ाई का अंत बड़ा नज़दीक है। तभी चिल्ड हंसने लग जाता है। चिल्ड बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो सैयन। बार्डॉक बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। चिल्ड बोलता है कि इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत जाओगे। बार्डॉक बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। चिल्ड बोलता है कि तुम्हें ये किसने बोला कि मेरी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन थी। बार्डॉक बोलता है क्या। पैपोल और बार्डॉक दोनों बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तभी चिल्ड बताता है कि मेरे पास अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन बची है। बार्डॉक ये सुनकर हैरान रह जाता है। और दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है इसका अगला चैप्टर भी थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरा गला अभी भी ख़राब है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जल्दी वीडियोज़ लेकर आऊँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है वैसे ही मैं आपके लिए वीडियोज़ दोबारा लाना शुरू कर दूँगा लगातार। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं बहुत ही जल्द आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।